पे ब्लू टिक वाले अकाउंट तो हम रोज़ देखते हैं, जिनको देखकर स्पेशल पर्सनैलिटी वाली फील आती है। बट इंस्टाग्राम के नए टर्म्स एंड कंडीशन के चलते आजकल वेरिफिकेशन टिक बहुत ही कम फॉलोवर्स वाले अकाउंट भी गेन कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने अकाउंट पे आ जाना है, उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको अपने अकाउंट की एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने अपने इस अकाउंट की कैटेगरी को सेलेक्ट करके पब्लिक फिगर कर रखा है, ये देख सकेंगे आप, ये पब्लिक फिगर कर लिया है मैंने। अब इसको इधर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करना। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है आपको सेटिंग के ऑप्शन पे। तो सेटिंग के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको ये इतने सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से आपको सबसे यहाँ पे नीचे के ऑप्शन पे अकाउंट आपको दिखाई देगा। अकाउंट के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। उसको टैप करने के बाद आपको चले जाना है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे। तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के पेज को ओपन कर दिया है मैंने। ओपन कर देने के बाद यहाँ पे कुछ ये हमारी डिटेल्स मांग रहा है, जैसे यूजर नेम, आपको क्या डालना है, यूजर नेम डाल देना है आपको, आपका नेम, यहाँ पे फुल नेम डाल देना, वही नाम डालना है यहाँ पे जो आपके आईडी प्रूफ में हो, और उसके बाद आपका नाम पूरा डाल देना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे कि न्यूज़ मीडिया, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, म्यूजिक, मैच, फैशन, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, ETC। तो मेरा इनमें से कोई भी कैटेगरी मैच नहीं कर रही है, तो मैं अदर डाल देता हूँ। अदर डाल देने के बाद यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ अटैच अ फ़ोटो ऑफ योर आईडी प्रूफ, चूज़ फाइल। यहाँ से फ़ाइल चूज़ करके आपको यहाँ से फ़ाइल चूज़ कर लेनी है और अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे नए सेंड का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, तो 7 से 14 दिन के अंदर आपका ये अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है, आपको आसानी से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग पैसे लेकर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेकर एक ब्रोकर के थ्रू अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा रहे हैं, जो कि मैं बोलता हूँ कि ये जब फ्री में हो सकता है तो किसी ब्रोकर्स को हायर करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जैसे कि ये बोल रहे हैं, सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन डज नॉट गारंटी दैट योर अकाउंट विल बी वेरीफाइड। ये बोल रहे हैं कि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो ही जाएगा। तो इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो देख लेते हैं हम। ऑथेंटिक, योर अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट रियल पर्सन रजिस्टर्ड बिजनेस और एंटिटी। ये बोल रहे हैं कि इनका जो आपका अकाउंट है वो कोई रियल पर्सन का ही होना चाहिए, और या फिर आप कोई बिजनेस एंटिटी, यूनिक आईडी आपकी होनी चाहिए उसमें। जैसे कि अकाउंट है वो किसी पर्सन का ही होना चाहिए, किसी के नाम पर ना हो, अपने जो बंदा है बंदे के नाम पर ही होना चाहिए, किसी फर्म के नाम पे या किसी किसी भी पैट का नाम नहीं होना चाहिए उसमें, जैसे पप्पी मीम्स वगैरह, ऐसा किसी पैट का नेम नहीं होना चाहिए उसमें। और इसके बाद आपका जो कंप्लीट वेरिफिकेशन है, उसमें आपका जो अकाउंट है उसकी पब्लिक, जो आपका अकाउंट है उसकी डिटेल्स पब्लिक ही होना चाहिए, वो अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए, और उसमें एक प्रॉपर उसका बायो बायो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपका जो अकाउंट है उसमें एडमिन लिंक्स, जैसे स्पैम कमेंट आपने उस अकाउंट से कहीं पे भी ना किया हो, तो नोटेबल, जैसे योर अकाउंट मस्ट बी अ वेल नोन, जैसे कि आप एक वेल नोन पर्सन होना चाहिए और आपके अकाउंट को सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ होना चाहिए, जैसे लोगों के द्वारा बहुत बार सर्च किया हुआ होना चाहिए आपका अकाउंट, तो ही वेरीफाइड हो सकता है आपका अकाउंट। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ठोको, कमेंट करके बताओ कैसी लगी मेरी वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को मोटिवेशन फील होती है, और मैं जिस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं
मोटिवेट होकर आगे और वीडियोस बनाने का भी मन करता है। तो थैंक यू गाइज़।